हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड के बारे में और काफी एलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज सीड? देखिए, सीड क्या है? तो इसकी साइंटिफिक डिफिनेशन ये है कि राइपेंड ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है, मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है वो सीड होता है। और फिर है डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमिट बाय मेल गैमिट। जैसा कि मैंने कहा कि मेल और फीमेल गैमिट के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। अगर हम ट्रू सीड की बात करते हैं तो ट्रू सीड बिल्कुल ऐसे ही बनता है जब मेल और फीमेल गैमिट फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद हमें मिलेगा एम्ब्रियो प्लस ओव्यूल। तो यही एम्ब्रियो प्लस ओव्यूल इज इक्वल टू सीड। इट इज डेवलप्ड इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी। देखिए, एक एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो रहता है। तो हम कह सकते हैं ये जो एम्ब्रियो है यही बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एम्ब्रियो कहाँ रहता है? ओव्यूल के अंदर। यहां आप देख सकते हैं इस पॉइंट में यहां रहता है ये दिस इज सीड। सीड एम्ब्रियो और ओव्यूल मिला के जो चीज है उसे हम कहते हैं। दूसरा कि सीड के लिए होने की, ट्रू सीड होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब फीमेल और मेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज होते हैं उससे हमें ट्रू सीड मिलता है। ठीक है, हमने यहां तक ये जान लिया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड की। क्या सीड की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोपोगेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ स्पीशीज। जैसा कि हम जानते हैं कि सीड जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी। नए स्पीशीज के जनरेशन के लिए सीड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेल और फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज्ड होके बनते हैं, तो उसके अंदर डाइवर्सिटी के चांसेस होते हैं। फिर यहां लिखा है कॉल्ड एज नेचुरल वेल्थ दैट सस्टेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि सीड्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। सीड जैसे कि अगर हम बात करें वीट के सीड से, गेहूं के सीड की जिससे आटा बनता है, उसी प्रकार यूज्ड डायरेक्टली एज फूड, कि हम सीड्स को एज ए फूड यूज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, सीड से हमको ऑयल मिलते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉल्ट, इससे आप मॉल्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मॉल्ट जिससे बाद में फर्मेंटेशन होके अल्कोहल बनता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बार्ले, क्योंकि बार्ले का मॉल्ट करते हैं, मॉल्ट करने के बाद आपको फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल मिलता है। और यूज्ड एज मेडिसिन जैसे कि फ्लैक्स सीड्स ऐसे सीड्स हैं जिनको आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट कैन यूज्ड एज, फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। सीड कैन बी यूज एज फूड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉल्ट एंड यूज एज मेडिसिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम कह सकते हैं कि ये सीड है या कोई सीड नहीं है? तो पहला पॉइंट ये है कि साइज ऑफ सीड वेरीज फ्रॉम डस्ट लाइक ऑर्किड सीड्स टू लार्ज डबल कोकोनट। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सबसे हल्के सीड्स होते हैं ऑर्किड के। ऑर्किड एक बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन उसके सीड्स का वेट इतना कम है, यहां लिखा हुआ है 20.33 माइक्रोग्राम्स, नॉट इवन ग्राम्स, माइक्रोग्राम्स। ये सबसे लाइटेस्ट होता है। और उसके बाद अगर हम हैवीएस्ट की बात करें तो जनरली कोकोनट काफी भारी सीड होता है, इसका वेट हाइएस्ट अप टू 16 kg तक जा सकता है। लार्ज सीड प्रोड्यूस लार्ज सीडलिंग, ये बहुत कॉमन चीज है। अगर सीड बड़ा है तो जो अंकुरण होने के बाद जो हमें सीडलिंग मिलेगा, जो प्लांट मिलेगा, वो भी वाकई हमें काफी बड़ा मिलेगा। सीड साइज हैज ए वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग सीड विगर। जितना बड़ा सीड होगा उतना ही उसमें पोटेंशियल होगा ग्रो होने के लिए। इसलिए यहां आपको नीचे दिखा रहा है कोकोनट सीड, जितना बड़ा कोकोनट है उतना ही बड़ा उसका ट्री होता है। तो जा लार्जर द साइज ऑफ द सीड मोर विल इट बी इट द इट्स विगर। यहां हम बात कर रहे हैं सीड कलर की। आपने देखा है
कि सीड कलर में भी आपको कई सारी डाइवर्सिटी मिल सकती है। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ब्लैक, ये ग्राम्स है, ये दाल है, दीज आर पल्सेस, और इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, और ये कलर भी हमको एक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं, डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सीड सरफेस की। सीड सरफेस, सीड के ऊपर का जो खोल होता है, जो कोटिंग होती है, उसके हिसाब से हम उसकी स्टडी करते हैं। इसके भी कई सारे टाइप्स हैं। पहला है स्मूथ, मीन बहुत यहाँ मूंग बीन जैसा स्मूथ हो सकता है। फिर रिंकल्ड यानी छुरी जैसा, स्ट्रेटेड, फरोड, रेटिकुलेटेड, एल्वियोलेट, ट्यूबरकुलेट, हेरी लाइक स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से भी आप सीड के सरफेस को भी देख के आप उसको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर सीड आपको स्मूथ दिखता है तो स्मूथ, अगर उसमें झुर्रियां हैं तो यहां जैसे कि आपको इसको रिंकल्ड कह सकते हैं, स्ट्रेटेड, फिर फरोड, रेटिकुलेट कुछ है। कभी आपने अगर धतूरा सीड देखा हो तो धतूरे के ऊपर कई सारे हेयर्स होते हैं, डेटूरा, तो वो हेरी, तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स। यहां अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सीड्स की। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, पहला एंडोस्पर्मिक, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक, जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, और सेकेंड में जिसमें एंडोस्पर्म नहीं हो, और इसे आप एल्बुमिनस भी कह सकते हैं, और जो नहीं है उसे एक्स एल्बुमिनस भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ, जिस सीड में एंडोस्पर्म है तो वो एंडोस्पर्मिक, जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं है वो नॉन एंडोस्पर्मिक। सो अब हम पहला ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, एंडोस्पर्मिक सीड। अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? डोमिनेंट एंडोस्पर्म डिपेंडेंट इमेच्योर एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। देखिए, एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इमेच्योर एम्ब्रियो को, जिससे एम्ब्रियो ज्यादा समय तक जी सके, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ सके। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और होने से उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जिस सीड में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म होगा उसके अंदर एम्ब्रियो ज्यादा समय तक रह पाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। यहां आप देख सकते हैं, देर आर टू सीड्स, एक मोनोकॉट सीड है, एक डाइकॉट है, हिंदी में बोलते हैं एक बीजी और द्वि बीजी। पहला है मोनोकॉट, दूसरा है डाइकॉट। मोनोकॉट के अंदर एक ही कॉट होते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वीट, मेज, राइस एक्सेट्रा। और अगर आप डाइकॉट की बात करें तो आप बीन्स ले सकते हैं, फिर उसके बाद चना, मूंग, जिसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, बादाम, ये एग्जाम्पल है। अब अगर हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे मोनोकॉट के बारे में, मोनोकॉट सीड की विशेषता क्या है, या इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इन मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। मोनोकॉट सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और आप देख सकते हैं डाइकॉट सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। तो एंडोस्पर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, ये इमेच्योर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे सर्वाइवल बढ़ता है। फिर एपिकोटाइल दोनों में है, यहां आप देख सकते हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल वो भी है, रेडिकल, कोटिलिडन और सीड कोट। देखिए, सीड कोट का फंक्शन अगर पूछे, सीड कोट किसी भी सीड को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। इसका मतलब कोई अगर सीड के ऊपर, उसके ऊपर कोई अटैक होता है, सीड पे कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, तो इंजरी से बचाता है सीड कोट। फिर आपको मिलेगा एक एपोकोटिकल, एपोकोटाइल, एंड सेकेंड इज रेडिकल। तो देखिए, रेडिकल से हम ग्रो होगा रूट, और एपिकोटिल से ग्रो होगा स्टेम बाद में जाके। तो बेसिक इस स्लाइड में मीनिंग ये है, ये नॉन एंडोस्पर्मस जो है वो है डाइकोट, और मोनोकॉट जो है उसमें एंडोस्पर्म है। अब यहां बात हो रही है सीड की कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन मतलब सीड अपने अंदर किस तरीके के बायोकेमिकल चीजें स्टोर करता है, उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला
सीड प्रोड्यूस फूड रिजर्व्स नीडेड टू सीड डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी। जैसे कि हम जानते हैं सीड फूड रिजर्व अपने अंदर फूड को स्टोर करता है जिससे कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके। तो पहला पढ़ते हैं हम सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सीरियल्स के एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, बार्ले, बाजरा, मेस। इनके अंदर आपको हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च मिलेगा। फिर अगर आप बात करते कैस्टर की, कैस्टर में आपको लिपिड मिलेगा, मींस आपको ऑयल मिलेगा, कैस्टर ऑयल। पी, मूंग, सोयाबीन, प्रोटीन इन कोटिलीडन। इसका मीनिंग है कि अगर आप प्रोटीन ढूंढ रहे हैं तो आपको दालें खानी चाहिए। मटर, मूंग, सोयाबीन, इनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। और यही सनफ्लावर, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सनफ्लावर ऑयल, इसमें इन्यूलिन कंपाउंड मिलता है। फिर यहां ग्रेन लेग्यूम्स है, तो ग्रेन लेग्यूम्स में फ्यूजिलिन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ब्रैसिका, यहां ब्रैसिका का मीनिंग है मस्टर्ड। ब्रैसिका के अंदर एक केमिकल होता है, बायोकेमिकल, इसका नाम है यूरूसिक एसिड। ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रैसिका के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, दैट इज यूरूसिक एसिड। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है और कैस्टर के अंदर ऑयल लिपिड रहता है। पी, मूंग, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन स्टोर रहते हैं और सनफ्लावर के अंदर इनुलिन होता है। और वहीं जब हम ग्रेन लेग्यूम्स की बात करेंगे तो उनके अंदर हमें फेजोलिन मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं ब्रैसिका की, ब्रैसिका मीन्स मस्टर्ड की, तो उसमें मिलेगा आपको यूरूसिक एसिड। सो इस वीडियो में यहीं तक, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।